हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन डैड ऑब्सेशन के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर तेको आकर चेक करता है। जोंगकुक कहता है, क्या हुआ मेरे बेबी बॉय को? वो अचानक ऐसे बेहोश क्यों हो गया है? क्या उसके हेल्थ के साथ कुछ बिग प्रॉब्लम है? डॉक्टर जोंगकुक को पैनिक करते देखकर कहता है, डोंट वरी किंग, वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस पैनिक अटैक आ गया था। जोंगकुक कहता है, पैनिक अटैक? लेकिन क्यों? आई मीन अचानक उसे पैनिक अटैक क्यों आया है? डॉक्टर पोलाइटली कहता है, वेल यूजुअली पैनिक अटैक तब आता है जब इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है या फिर उसे कोई शॉक लगता है, तब ऐसा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसके बाउंड्स बहुत गहरा होने के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। इसे दिमाग पर भी काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था। शायद अपने पास्ट की बात याद करने के वजह से उसे पैनिक अटैक आ गया होगा। मे बी उसे उसका मॉम डैड का याद आया होगा। ही नीड्स मोर केयर, मैं कुछ मेडिसिन लेकर दे रहा हूँ, जब भी उसके साथ कुछ ऐसा हो तो आप इस मेडिसिन उसे खिला देना। हाफ एन आवर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जोंगकुक जो बहुत ही ध्यान से डॉक्टर के एवरी वर्ड को सुनने के बाद कहता है, ओके अब तुम जा सकते हो। डॉक्टर के जाते ही जोंगकुक जल्दी से बेड पर आता है और तेयंग के लिटिल हैंड अपने लार्ज हैंड में होल्ड कर उस पर किस करता है। ते सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल लग रहा था। जोंगकुक ते को बिस्तर पर से उठाकर गोद में लेकर बैठ जाता है। तेयंग अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। तेयंग मूव करता है। तेयंग के मूवमेंट जोंगकुक को हॉट फील करवा रहा था, बट वो अभी इस फीलिंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है और तेय पर ध्यान देता है। जोंगकुक तेयंग के नेक पर नोज रब करते हुए उसे और कसकर बाहों में होल्ड कर उसे स्मेल करते हुए मन ही मन कहता है, बेबी डोंट हेट डैडी, ओके डैडी लव्स यू वेरी मच, और हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, मैंने बस तुम्हें एडॉप्ट किया है एक सन के तौर पर, नहीं एज अ लवर के तौर पर। तुम्हें देखते ही पता नहीं क्यों मैं पहली बार प्यार क्या होता है ये महसूस किया है। अगर मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ बेबी बॉय। अचानक तेयंग के मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जोंगकुक अपने हैंड कस कर बंद कर लेता है। जोंगकुक के ब्रीदिंग और हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, वो और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगा है। जोंगकुक जो अभी शॉर्ट बाथरूम में था और बाथरूम सामने से खुला हुआ था, जिस वजह से उसका चेस्ट क्लियरली दिखाई दे रहा था, फिर उसे हॉट फील हो रहा था और उसके शरीर पसीनों से पूरी तरह से काबर हो चुका था। जोंगकुक स्लोली नीचे अपने मेंबर की तरफ देखकर खुद को कर्ज करते हुए कहता है, बेबी ये तुमने क्या किया है? आई कांट हैंडल इट, नाउ आई कांट होल्ड माई सेल्फ। जोंगकुक जो एक तक तेयंग के लिप्स के तरफ ही देख रहा था, वो भी इंटेंसली तेयंग के बॉटम लिप्स में जो मोल है, इसे देखने के बाद जोंगकुक और ज़्यादा एडिक्टेड फील करने लगा है। जोंगकुक सब कुछ भूलकर स्लीपिंग तेय के फेस अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड कर स्लोली तेयंग के लिप्स से लिप्स अटैच कर उसे किस करने लगता है। वो इस तरह से किस कर रहा था जैसे इसका कोई कल ही ना हो। तेयंग डीप स्लीपिंग में होने के कारण उसके माउथ से बार बार स्लाइबर नीचे गिर रहा था। जोंगकुक तेयंग के लिप्स के सॉफ्टनेस महसूस कर इसे सक करने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और जोंगकुक खुद को रोक लेता है। जोंगकुक तेयंग के लिप्स से जो स्लाइबर गिर रहा था इसे अपने थंब से वाइप कर उसे घूरते हुए अपने लिप्स को लिक करता है। तेयंग मुँह से क्यूटली आवाज़ें करते हुए स्लोली आइज ओपन करता है। ते खुद को जोंगकुक के गोद में देखकर कुछ टाइम तक साइलेंट होकर बस उससे ही घूरने लगता है। जोंगकुक तेयंग के हेयर्स पर फिंगर फिराते हुए कहता है, बेबी बॉय आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। तेयंग अपने लिटिल हैंड जोंगकुक के बैक पर रखकर उसे टाइटली अपने करीब होल्ड कर रोते हुए कहता है, डैडी डोंट गो, ते एलोन डैडी डोंट गो। ते रोने के कारण पूरी बात बोल भी नहीं पा रहा था। ऑल्सो तेंग अभी भी डरे हुए था
और जोंगकुक को कसकर हाँक करने के बाद भी उसे डर लग रहा था और उसके बॉडी पूरी तरह से कांप रहे थे। जोंगकुक तेयंग के बैग पर हाथ फिराते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी डोंट क्राई, इफ़ यू क्राई देन डैडी ऑल्सो क्राई। बेबी क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ते हेड शेक करता है। जोंगकुक कहता है, डैडी अपने लिटिल तेते को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि डैडी तेते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तेयंग अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तेयंग बेबी वॉयस में कहता है, डैडी डैडी हार्ट तेते वनसी। जोंगकुक तेयंग के बाद समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। जोंगकुक खुद को दिखाते हुए कहता है, नो बेबी डैडी बिल्कुल ठीक है, डैडी को कोई चोट नहीं लगी है। तेयंग लिप से पाउट बनाकर इनोसेंटली कहता है, तो फिर डैडी क्यों रो रहा था? डैडी शाउटिंग स्क्रीमिंग सो मच। तेते स्केर्ड। जोंगकुक आहे भरता है और ते को जेंटली हक करके उसके चीक के साथ चीक ब्रश करता है और प्यार से कहता है, बेबी क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? और हाँ, अब नो मोर क्वेश्चन ओके, डैडी बहुत थका हुआ है, आज जल्दी से सोना है, कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँगा और तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। ते फिर से क्वेश्चन करने लगता है, डैडी हम कहाँ जाएंगे और हम किससे मिलने जाएंगे? जोंगकुक कहता है, हम तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा से मिलने जाएंगे। तेई बॉक्स से स्माइल करके कहता है, ओके। जोंगकुक तेयंग को लेकर नीचे डिनर के लिए आ जाता है। जोंगकुक जो अपने बेबी को खाना खिलाने में बिजी था, तभी जोंगकुक नोटिस करता है ते खाना मुँह के अंदर लेकर बैठा है और उसका नज़र जोंगकुक के ओपन चेस्ट पर है। जोंगकुक स्मार्क कर तेई से पूछता है, यू लाइक इट? अचानक बोलने से तेई चौंक जाता है। तेयंग अपने लिटिल फिंगर से जोंगकुक के एब्स पर पोक करके कहता है, डैडी ये क्या है और ऐसा क्यों है? जोंगकुक कहता है, इसे एब्स कहते हैं। तेयंग अब खुद को दिखाता है और सैड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, डैडी तेई तेई के पास ऐसा क्यों नहीं है? तेई तेई ऑल्सो वांट दिस। जोंगकुक बनी स्माइल करके कहता है, नो मेरा बेबी ऑलरेडी परफेक्ट है, तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेई कहता है, आई लाइक दिस वन ऑल्सो। तेई जोंगकुक के आर्म्स टैटू के बारे में बात कर रहा था जो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था और तेई को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। जोंगकुक कहता है, यू लाइक इट? तेई कहता है, जोंगकुक कहता है, लेकिन इसे कराने में बहुत ज़्यादा पेन होता है और मैं नहीं चाहता मेरे बेबी बॉय को कोई भी पेन से गुजरना पड़े। ये कहकर जोंगकुक तेयंग के नेक पर किस करता है। जोंगकुक एवरी नाइट तेई के साथ उसके कमरे में और उसके बेड पर ही सोता है। तेयंग जोंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, उसे जोंगकुक को हाँक करके उसके चेस्ट पर सर रख कर सोने में सेफ फील होता है। होल नाइट जोंगकुक तेयंग के लिटिल हार्ट बीट के साउंड सुनता रहा और उसे महसूस करने की कोशिश करता है। तेयंग के बॉडी सेंट इनहेल करके जोंगकुक उसे कास कर अपने बाहों में होल्ड कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते नींद से उठकर बेड पर खुद को अकेला देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेयंग के डीप ओशन आइस बस अपने डैडी को ढूंढने में बिजी था। जोंगकुक को पास में ना देखकर ते रोते हुए कमरे से बाहर आता है। तभी उसे दरवाजे के बाहर चार मेड हाथ में फूड ट्रे और किसी के हाथ में न्यू क्लोथ तो किसी के हाथ में शूज़ देखकर ते रोना बंद करके पूछता है, अजुम्मा डैडी कहाँ है? अजुम्मा कहती हैं, डैडी जिम रूम में है, तुम मेरे साथ चलो, डैडी के आने से पहले तुम्हें तैयार होना है। तेयंग अजुम्मा के साथ शावर रूम के अंदर आ जाता है। सब ते को किंग की तरह ही ट्रीट करता है क्योंकि सबको पता है जोंगकुक फ्यूचर में तेई से शादी करने वाला है। तेयंग तैयार होकर जब नीचे आता है, जोंगकुक ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने एंजल के लिए इंतज़ार कर रहा था। तेई जोंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जोंगकुक उसे अपने लैप पर बैठने के लिए कहता है, ते ऐसा ही करता है। तेयंग के सामने वैरायटी ऑफ फूड सर्व किया गया था पर उसे ये नहीं खाना था। तेई कहता है, डैडी आई वांट चॉकलेट। जोंगकुक कहता है, ओके डैडी तुम्हारे लिए चॉकलेट बाय कर लेगा, अभी ब्रेकफास्ट कर लो।
ते फिर भी जिद करता है। डैडी ते ते वांट चॉकलेट। जोंगकुक अब एक ही बात से इरिटेट होकर ते को डांट देता है। अब दोनों कार में बैठे थे। जोंगकुक जो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और ते पैसेंजर सीट पर, तेंग सैडली विंडो से बाहर देख रहा था। जोंगकुक ते के साथ बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर ते उसके तरफ देखता भी नहीं है। जोंगकुक कार साइड में पार्क करके कहता है, प्लीज़ बेबी टॉक टू मी ना, ओके शाउट एट मी, लेकिन डैड को ऐसे इग्नोर मत करो बेबी, बेबी लुक एट मी, ते डैडी क्राइंग, प्लीज़ डैडी को माफ़ कर दो, आई नो ते डैडी से नाराज़ है, डैडी पर गुस्सा है, लेकिन बेबी डैडी लव्स यू सो मच, प्लीज़ डैडी के साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट खरीद कर दूँगा, जितना तुम्हें चाहिए, आई लव यू बेबी। तेंग अब धीरे से फेस टर्न करके जोंगकुक के तरफ देखकर इनोसेंटली कहता है, आई वांट आइसक्रीम आल्सो। जोंगकुक स्माइल करके कहता है, ओके देन किस डैडी। तेंग तुरंत जोंगकुक के लिप्स पर किस कर लेता है। जोंगकुक ते को लेकर ओल्ड जियोन मेंशन में पहुंच जाता है जहां मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन रहता है। जोंगकुक ते के साथ मेंशन के अंदर एंटर करते ही सभी मेट्स सर झुकाकर जोंगकुक को ग्रीट करता है। तेंग जोंगकुक के उंगली पकड़कर स्लोली वॉक कर अपने डीप ओशन आइज से मेंशन की खूबसूरती को घूरने लगता है। जैसे ही जोंगकुक अपने बेबी के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है, लिविंग रूम में ऑलरेडी मिस्टर एंड मिसेस जियोन बैठकर चाय पीते हुए बात कर रहा था। तभी मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन के आंखें लिटिल ते पर पड़ता है। तेंग के एडोरेबल फेस और उसके चार्म को देखकर दोनों के आंखें वाइडन हो जाता है। मिसेस जियोन जो काउच पर से उठकर चलकर जोंगकुक और तेंग के पास आकर ते को सर से लेकर पैरों तक घूरते हुए कहती है, ए कौन है। जोंगकुक डीप वॉइस में कहता है, मॉम आई एडॉप्ट हिम, हिज नेम इज किम तेंग। मिस्टर जियोन कहता है, सच ए नाइस नेम, ये तो बहुत प्रीटी और एडोरेबल है, नाइस बॉय, लेकिन तुम तो अब सिंगल हो, तुम अकेला उसका ध्यान कैसे रख पाओगे और तुम्हें एडॉप्शन कैसे मिला। मिसेस जियोन कहती है, चलो चलकर बैठकर बात करते हैं। मिसेस जियोन ते को अपने पास बुला लेती है। ते जोंगकुक के तरफ देखने लगता है। जोंगकुक कहता है, गो बेबी रिमेंबर डैडी ने तुम्हें ग्रैंडमा के बारे में बताया था, ये है तुम्हारी ग्रैंडमा। तेंग मिस्टर एंड मिसेस जियोन के तरफ देखकर बॉक्सी स्माइल करता है और कहता है, प्रीटी ग्रैंडमा। मिसेस जियोन ए सुनकर स्माइल करके कहती है, इधर आओ। ते मिसेस जियोन के पास जाकर बैठ जाता है। मिसेस जियोन तेंग के लिए स्नैक्स और आइसक्रीम मंगवाती है। ते आइसक्रीम खाने में बिजी हो जाता है। मिसेस जियोन कहती है, जोंगकुक तुमने दोबारा शादी करने के बारे में कुछ सोचा है, क्या तुम्हें कोई पसंद है। इस बार मैं और तुम्हारे डैड तुम पर कोई भी डिसीशन नहीं थोपना चाहते, तुम एडल्ट हो और अब तुम 21 के हो चुके हो, सारा हम सबको छोड़कर चली गई हैं, इस बात को अब 7 महीना हो चुका है, तुम कब तक उसके गम में डूबे रहना चाहते हो, कुछ तो बोलो, कम से कम तुम अपने लिए नहीं इस मासूम के बारे में सोचकर शादी कर लो। जोंगकुक जो इतने देर तक साइलेंट होकर सीरियस होकर सारी बातें सुन रहा था, अब वो साइलेंट तोड़कर बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, मॉम डैड मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, मेरे लिए जो इंसान सबसे ज़्यादा प्रीशियस है और जिसे मैं फ्यूचर में शादी करके उसके साथ रहना चाहता हूँ उसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ, और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेज जियोन शॉक्ड होकर कुछ देर तक विदाउट ब्लिंकिंग और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बस अपने बेटे को ही देख रहा था। मिस्टर जियोन अचानक अपने आवाज़ ऊंचा करके कहता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जो अभी 21 साल के हो और वो अभी 5 साल का है, तुम एक 5 साल के बच्चे को लेकर इस तरह की शिनफुल थॉट कैसे रख सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या फिर नहीं। मिसेज जियोन कहती है, बेबी ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तुम दोनों ही मैन हो और तुमने उसे एडॉप्ट किया है तो उस हिसाब से
तुम दोनों के बीच बाप बेटा का रिश्ता बनता है। जंगको कहता है, सो व्हाट, हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है मॉम। ते के मॉम डैड जो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव था, उसे टॉर्चर करता था। अगर मैं उसे एडॉप्ट करके अपने पास नहीं लेकर आता तो अब तक शायद वो नहीं बचता। मिसेस जियोन कहती हैं, मैं तुम्हें जितना सुन रही हूँ उतना ही हैरान हो रही हूँ। क्या सच में तुम हमारे बेटे हो? मैं इसके लिए खुश हूँ कि तुमने उसके लाइफ सेव करके एक अच्छी ज़िंदगी दी है। लेकिन शादी और ये सब, जब वो एडल्ट होगा तुम उसके सामने एक ओल्ड मैन लगोगे। जंगको कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉम, आई लव हिम। मॉम, इससे पहले मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया जो मैं उसके लिए करता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जियोन के आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो काउच पर से उठकर जंगकुक के पास आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है। जंगकुक जो इस एक्टिविटी से पूरी तरह से शॉक हो जाता है, इससे पहले जंगकुक कोई भी रिएक्ट कर पाता, मिस्टर जियोन उसके गाल पर जोर से स्लैप करके कहता है, तुम इतने सेल्फिश कैसे बन गए हो जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ए लड़का अभी एक किड है और वो तुम्हें अपने डैड समझता है। एडल्ट होने के बाद हो सकता है उसे कोई और पसंद आ जाए, तब तुम क्या करोगे? जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में जंगकुक कस कर अपने हाथ मुट्ठी कर लेता है। जंगकुक एंगर कंट्रोल कर मीडियम टोन में कहता है, लीव। मिस्टर जियोन हैरान होकर जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक खुद ही मिस्टर जियोन का हाथ पकड़ कर कॉलर से हटाते हुए अपने बेबी के पास जाकर लविंग टोन में कहता है, चले बेबी। तेयंग जो चॉकलेट और आइसक्रीम से फेस पर मेसअप क्रिएट किया है, जंगकुक इसे देखकर तुरंत अपने पॉकेट से हैंड की निकल कर अपने बेबी के फेस क्लीन कर तेयंग के लिप्स पर किस करके कहता है, बेबी आर यू ओके, यू इंजॉय चॉकलेट। ये सीन देखकर मिस्टर एंड मिसेज जियोन के हार्ट बीट कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। दोनों किसी म्यूजियम के स्टैचू की तरह अपने स्पॉट पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। तेयंग स्माइल कर जंगकुक को हग करके कहता है, डैडी आई वांट मोर, इट्स यम्मी। जंगकुक कहता है, ओके बट अभी घर जाना है, सो ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर को गुड बाय बोल दो। तेयंग मिस्टर एंड मिसेज जियोन को बाय कहकर जंगकुक के तरफ देखता है। जंगकुक उसे अपने गोद में उठा लेता है। अब दोनों कार के अंदर बैठे थे। जंगकुक जो तेय को सीट बेल्ट पहनाने के लिए उसके करीब झुकता है, तभी तेय अपने लिटिल हैंड से जंगकुक के राइट चीक होल्ड करके कहता है, डैडी हु बीट यू। जंगकुक अपने बेबी के लिटिल हैंड अपने चीक्स पर रब करते हुए कहता है, नो बॉडी। जंगकुक इमोशनल होकर कहता है, बेबी तुम डैडी से कितना प्यार करते हो। ते कुछ टाइम तक चुप रहने के बाद कहता है, बहुत ज़्यादा। जंगकुक फिर से पूछता है, बेबी क्या तुम बड़े होने के बाद डैडी को छोड़कर चले जाओगे? तेयंग कहता है, नो। तेयंग के आइस वाटरी होने लगता है। जंगकुक तुरंत उसे बाहों में भरते हुए एक इबील स्मार्क के साथ मनी मन कहता है, तुम चाहोगे भी तब भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। यू आर माइन, आई विल मेक यू माइन, अभी नहीं तो बाद में तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। तुम बेड पर सिर्फ मेरे नीचे रहकर मौन करने के लिए ही बने हो, तुम्हारे लिप्स पर सिर्फ मेरा नाम होगा जियोन जंगकुक, तुम्हारे लव और अटेंशन सिर्फ मेरे लिए होगा, तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए है। जंगकुक अब तेयंग पर 24 आवर्स नज़र रखने के लिए मेंशन की हर एक कॉर्नर में हिडन कैमरा प्लांट किया है, जिसे वो तेय को हर वक्त किसी भी जगह से देख सकता है। दोनों के बीच बॉन्डिंग दिन ब दिन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। जंगकुक स्टडी के लिए तेयंग के एडमिशन स्कूल में नहीं करवाया था, मेंशन में आकर टीचर उसे टीच करता था, वो भी जंगकुक के सामने। फाइनली अब तेयंग 16 ईयर्स के होने वाले हैं, जिस दिन के लिए जंगकुक बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक शाम की पार्टी के अरेंजमेंट के लिए किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। तेयंग जो इन सब चीज़ों से अनजान जिमिन के साथ लिविंग रूम में बैठकर गेम खेलने में बिजी था। जिमिन को पता है आज रात जंगकुक तेय को क्लेम करने वाला है। जिमिन को तेय के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था।
जोंगकुक जब बेलकनी में खड़े होकर अपने बेबी बॉय को इंटेंसली घूरते हुए अपने लिप्स को बाइट कर लीक करते हुए मन ही मन कहता है, आह आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बेबी बॉय, आई लव यू सो मच, जितना मैंने तुम्हें इमेजिन किया था बड़े होने के बाद उससे भी ज़्यादा प्रीटी और सेक्सी बन गए हो, मैं अब खुद को और नहीं रोक पाऊँगा, आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट किया करो, अच्छा लगता है, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मैं ऑल टेक कुकर बेबीज़।